और आप देख रहे हैं डीजियाना। मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। पहले से सूखे की मार झेल रहे किसान, ऊपर से एक बार फिर बारिश का कहर। बारिश का पानी किसानों के चेहरे पर पहले मुस्कान लेकर आया, बाद में चिंताओं की लकीरें। पहले से ही अपनी चार फसलें खो चुके किसानों के चेहरे पर फिर से आई चिंता की लकीरें। गुना जिले की बात करें तो पिछले चार दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते फसलें जो बच गई थी वे भी नष्ट हो गई हैं। उड़द एवं सोयाबीन की फसलों को 80% से ऊपर का नुकसान हुआ है, जैसा कि किसानों के द्वारा बताया जा रहा है। यहां जामनेर, म्याना, बीनागंज, चाचोड़ा, कोटरा, झमझरा, धरनावदा आदि क्षेत्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कई किसानों ने पहले से बारिश की उम्मीद खो दी थी, जिसके चलते उन्होंने अपने खेतों की फसल काटने के बजाय उस पर हल चलवा दिया ताकि उनकी फसल की कटाई का पैसा बच सके। अच्छा, और अभी पानी गिरता रहा है, अभी तक तो लगभग खत्म हो जाएगी पूरी सोयाबीन। खत्म हो जाएगी। अच्छा, जो मूंग उड़द उड़द तो है ही गए खत्म। अच्छा, काफी नुकसान है, बड़ी बड़ी मतलब बिगड़ गई है, वो तो सड़ गई नीचे से पूरी। अच्छा, और जो खड़ी है अभी बिना कट, जो नहीं कटी है अभी, वो भी बिगड़ गई है पूरी। दाने निकल गए हैं और नीचे पड़े पड़े फूल गए, दो बार ऐसे उग गया है। मतलब कितना परसेंट नुकसान है? लगभग नुकसान तो हो चुका है, अगर आज कल पानी और आ गया तो 90% बिगड़ ही जाएगी पूरी, ख़त्म हो जाएगी। उसमें 50% है। 50% नुकसान। और उड़द मूंग में? वो तो साफ ही है वो तो। अच्छा, अभी पानी गिरता रहा है तो 100% वो तो 100% ही गया। आपकी कितनी सोयाबीन खराब हुई है? अपनी हुई 10 बीघा की। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। लगातार हो रही बारिश के चलते कल झांकियों में रौनक नहीं रही, जिसे आज बारिश ने थोड़ा सा विराम देकर झांकियों की रौनक दोबारा लौट आई। हालांकि दिन भर से कयास लगे थे कि बारिश फिर भी हो सकती है, जिसके चलते झांकियों में सजावट का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बारिश के चलते कल समझ भी नहीं आ रहा था कि माता की स्थापना कैसे हो। आखिर बारिश के मौसम ने आज सभी को थोड़ी सी राहत दे दी, जिससे माता जी की स्थापना सही से हो सके। समिति का नाम तो कुछ भी नहीं है। समिति का नाम क्या है? समिति का नाम तो कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने आज झांकियों की काटी रसीदें। नवदुर्गे महोत्सव के चलते लग रही झांकियों के पंडालों में होने वाले विद्युत की खपत को लेकर आज झांकी पंडालों की रसीदें काटी गईं, जिसमें झांकी समिति के सदस्यों ने सहर्ष कटवाई और उन्होंने अपने हिस्से के पैसे विद्युत विभाग को जमा भी किए। साथ ही झांकी समिति के सदस्यों ने आह्वान भी किया है कि इसी तरह से अपने विद्युत मंडल को पैसा देते रहें ताकि विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से मिल सके। ये क्या विद्युत मंडल की तरफ से रसीदें कटी हो रही है? हर साल जो है 1,500 रुपए की रसीद कटती थी, और अपन माता रानी का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहा है, बिजली अपन उपयोग में ले रहा है,
अपना दायित्व भी बनता है कि अपन को विद्युत मंडल की मदद करना चाहिए, जो अपन चला रहे हैं उस राशि अपन ने दी है। लेकिन इस समय हम आप ये भी कहना चाहेंगे विद्युत मंडल के आला अफसरों से कि नवरात्रि और शादियों के जो टाइम चल रहा है, बिजली कटौती जो मेंटेनेंस के नाम पर जो विद्युत कंपनी कर रही है उसको ना करें। धार्मिक त्यौहार चल रहे हैं इसलिए समय पे लाइट उपलब्ध कराती रहे विद्युत वितरण कंपनी। रेलवे पुलिस बल की स्थापना दिवस पर आज एक अनूठी सेवा रेल यात्रियों को प्रदान की गई। यात्रा के समय किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आने पर यात्री 182 अपने मोबाइल से कॉल करेंगे, जिससे उनकी परेशानी को तुरंत ही हल कर दिया जाएगा। साथ ही रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों को इस बारे में बताने हेतु आज मार्च भी निकाला गया। वहीं रेलवे का सघन चेकिंग अभियान भी आज जारी रहा, जिसके चलते सभी यात्रियों की तलाशी भी ली गई। आरपीएफ के स्थापना दिवस के समारोह में 182 का ये हेल्पलाइन आरपीएफ हेल्पलाइन चालू की गई है। इसमें किसी भी तरह की यात्री को कोई परेशानी आती है, यात्री के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, नशे में कोई छेड़छाड़ करता है, तो 182 को तुरंत करेगा और उसको आरपीएफ उसको तुरंत अटेंड करेगा। इन दिनों शहर में बह रही है ज्ञान की गंगा, इसी तारतम्य में आज स्थानीय जयस्तंभ चौराहे से बैंड बाजों के साथ एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका समापन नई सड़क पर जाकर हुआ, जहां पर साध्वी दीदी गौरी भट्टाचार्य के श्रीमुख से श्रद्धालु कथा का आनंद ले पाएंगे। आयोजकों ने अपील की है कि भागवत कथा में आनंद लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे। देशित के लिए की जा रही एक अद्भुत तपस्या, बीनागंज गोया रोड स्थित शक्ति सेवा आश्रम पर आश्रम संस्थापक सिद्ध साध्वी कल्याणमयी मां शक्ति सुशीला जी अखंड ज्योति अपने हाथों में लेकर पहले रंगाते से दैनिक क्रियाओं का भी परित्याग कर निरंतर खड़ी रहकर 36 घंटों की तपस्या देश के शहीदों की आत्मा की शांति व भारत वर्ष की सुख शांति समृद्धि हेतु कर रही है। माता जी का ये कोई पहला अवसर नहीं है, इससे पहले ही वे 21 वर्ष तक नवरात्रि काल में देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर 9 दिन के लिए समाधि लेकर तपस्या रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, शिवपुरी, ग्वालियर, बीनागंज में समाधि की तपस्या कर चुकी हैं। लाखों भक्तों ने भी उनकी तपस्या के दर्शन लाभ भी लिए। आज रात्रि 11:30 इनकी तपस्या पूर्ण होगी, अन्य त्याग तो संपूर्ण नवरात्रि चलता ही रहेगा।
बीनागंज से हमारे सहयोगी राम कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नवरात्रि के दूसरे दिन पुरानी गल्ला मंडी स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से चुनरी यात्रा निकाली गई। मां की यह यात्रा कई वर्षों से निकाली जा रही है। चुनरी यात्रा निकालने से पहले पंडित ने उपस्थित माता पार्वती जी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर पर विशेष श्रृंगार भी किया गया। उसके बाद करीब 50 मीटर लंबी चुनरी यात्रा को बैंड बाजों की धुन पर शहर के विभिन्न मार्गों से निकाला गया। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रखा गया, जिसमें कलेक्टर राजेश जैन, पंचायत अध्यक्ष अर्चना बल्लू चौहान, विधायक पन्नालाल शाह के कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य वी के तिवारी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर एवं दीपक जलाकर किया गया, जिसके उपरांत छात्राओं ने गीत की प्रस्तुति दी, जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं स्टाफ ने भाग लिया। और एक सपना देखें कि हमारा देश भारत एक सुंदर और स्वच्छ भारत है। गरीबी को हमने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। सांप्रदायिकता और जातिवाद खत्म हो चुके हैं। पालन द्विवेदी प्राचार्य राघोगढ़ से अनुरोध करता हूं कि वे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। प्राचार्य राघोगढ़ रख। दुर्गा विसर्जन एवं ताजियों के विसर्जन के लिए अलग से विसर्जन कुंड बनाया जाए, इस बात का आह्वान लेकर पहुंचे समाजसेवी कलेक्टर राजेश जैन के पास। समाजसेवी पुष्पराज शर्मा ने आरोप लगाया कि नगरपालिका के द्वारा एनजीटी के निर्देशों को दाता बताते हुए पिछली बार भी मनमाने ढंग से झांकियों का विसर्जन किया गया था, जबकि एनजीटी के निर्देशानुसार एक अलग से विसर्जन कुंड होना चाहिए। इसी बात की शिकायत लेकर पुष्पराज शर्मा आज समाजसेवियों के साथ में कलेक्टर राजेश जैन से गुहार लगाने पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऐसी कोई भी कोताही ना बरती जाए, साथ ही विसर्जन के लिए अलग से कुंड बनाया जाए। वहीं कलेक्टर राजेश जैन ने उन्हें सहमति प्रदान करते हुए नगर पालिका को इस हेतु दिशा निर्देश देने की बात भी कही। नंगे पर होगा था, मतलब वो मिट्टी की माता जी को तो पूज रहा है, वो भी माता जी वो पुत्र और बहू की शिकायत कर रहे हैं। चार में से दो लोग पुण्य का चल रही है। 4 बजे रात से मेरे पानी मेरे साथ कैंसर हो चुका है। बम्बई से इलाज करवा के लाए, 1000 रुपए लगवा चुके। मेरे आधार कार्ड मैंने अपील करवाए तो उन्होंने निरस्त कर दिया। कमाता है वैसे रुपए में किराए से रहती हूँ ना, मेरे पास आप किराए वाले खाली करवा चलिए को लेकर एनजीटी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है, आदेश दिया है कि हर जिले में हर शहर में एक अलग विसर्जन कुंड हो और पीओपी सहित तमाम सारी जो मूर्तियां और ये ताजिए जो विसर्जित होते हैं तालाबों में और नदियों में, तालाबों में और नदियों में न करके उस विसर्जन कुंड में विसर्जित किया जाए। इस आशय का एक विसर्जन कुंड पिछले साल हमारे यहाँ पर गुना में बना लिया गया था। इस बार गणेश विसर्जन उस कुंड में नहीं हुआ, इससे हमें आशंका हुई कि उसको बनने के बाद भी हो सकता है इस बार दुर्गा विसर्जन उसमें ना हो, तो हम जिलाधीश महोदय से ये शिकायत करने भी आए थे कि नगर पालिका गुना ने विसर्जन कुंड में का उपयोग न करके एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं किया है, लिहाजा इस दुर्गा विसर्जन और ताजियों के लिए उस विसर्जन कुंड को फिर से व्यवस्थित करें और उसी में विसर्जन कराएं, क्योंकि अभी जो ताजी रिसर्च आई हैं वो ये कहती हैं कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस और केमिकल्स जो रंग उसमें होते हैं उनकी वजह से कैंसर, ब्लड प्रेशर और ब्रेन हेमरेज और बीपी शुगर की शिकायतें आती हैं। तो यदि हम हमारे शहर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हम विसर्जन कुंड का ही इस्तेमाल करें जो एनजीटी के आदेश का पालन नहीं। तो अभी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं उसको पीडब्ल्यूडी और उसको नगर पालिका को बुलाकर निर्देशित करता हूं कि वे किसी भी हाल में नवदुर्गा के बीचों में ताजिए विसर्जन के पहले उसको सुनिश्चित करें। एक बार फिर वार्ड क्रमांक 18 सुर्खियों में। सबसे बदतर हालत है वार्ड क्रमांक 18 के। इस वार्ड में ना तो कोई सड़क है और ना ही निकलने का कोई जरिया। लोगों को मजबूरन कीचड़ में से होकर निकलना पड़ता है, जिसके कारण कई बार दोपहिया वाहन चालक चोटिल भी हो गए हैं।
इस वार्ड के युवा पार्षद कई बार ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि उनके वार्ड का विकास वे स्वयं कर रहे हैं, साथ ही उनके वार्ड में कई तरह के विकास कार्य हो रहे हैं जो कि देखने को कहीं नहीं मिलते। वहीं कैमरे के सामने न आने की शर्त पर एक वार्डवासी ने बताया कि वार्ड पार्षद कविंद्र सिंह चौहान केवल उन जगहों का ही विकास कर रहे हैं जहां पर उनके खुद के प्लॉट या मकान हैं, जो कि देखने में साफ नजर आता है। आज वहीं तेज बारिश और हवा के चलते एक विशाल पेड़ भी दराशाही हो गया, जिसको देखने की फुर्सत न ही वार्ड पार्षद को है न ही नगर पालिका को। नजुल कॉलोनी में रात के समय एक पेड़ गिर गया, गनीमत रही कि वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई। रहवासियों ने कैमरे के सामने न आने की शर्त पर बताया कि वार्ड पार्षद वार्ड में ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें खुद के कामों से फुर्सत नहीं है। आज दोपहर तक ना ही वार्ड पार्षद वहां पहुंचे ना ही नगर पालिका का अमला उस पेड़ को हटाने। तो बोलना ही बोलना है, बात रुक ही नहीं जाए तो अभी चेकिंग ही आज कर रही है भाई। इससे तो कौन सी जगह है जी? आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।